एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी 80s। क्लास 12 बायोलॉजी से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर से आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन वर्ड की बात कर रहे हैं बच्चों, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स हो रहे हैं। तो जिससे पहले मैं आप लोगों को डबल फर्टिलाइजेशन की बुकिश लैंग्वेज में बताई गई डेफिनेशन समझाऊं, उससे पहले जरा बात करते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल और फीमेल गैमिट्स कौन कौन से होते हैं, क्योंकि इन दोनों गैमिट्स का फ्यूजन होगा तभी ना जाकर हम फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे होंगे। एक प्लांट में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में बच्चों, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो फ्लावर होता है। फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे हम कहते हैं स्टामेन, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे हम कहते हैं पिस्टल या फिर कार्पल। ठीक है जी, ये आपका स्टामेन का स्ट्रक्चर है और ये आपके कार्पल का स्ट्रक्चर है। एक स्टामेन के दो पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। जो ये एंथर है इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, पोलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं। जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का उसे हम कार्पल या फिर पिस्टल कहते हैं। ये पिस्टल ना एक तरीके से मटके की शेप का होता है। इसका जो अपर पार्ट होता है उसे हम कहते हैं स्टिग्मा, बीच वाला एक स्टॉक होता है जिसे कि हम कहते हैं स्टाइल, और जो मेन रीजन है जो कि फर्टिलाइजेशन में रोल प्ले करता है वो है आपका ओवरी। ओवरी के अंदर मौजूद होता है ओव्यूल। फटाफट से बता रही हूँ, एक फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर, फ्लावर के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे हम कहते हैं पिस्टल या फिर कार्पल, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है इसे हम कहते हैं स्टामेन। स्टामेन के दो पार्ट्स होते हैं बच्चों, एंथर और फिलामेंट। उसी तरीके से कार्पल्स के तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब जरा इन पार्ट्स को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। ये आपका स्टामेन था, स्टामेन का मैंने आपको पार्ट बताया एक एंथर। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं। ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना बच्चे, इन्हें मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। गैमेटोफाइट वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि गैमेट्स कंटेन करते हैं। मेल गैमेट कहाँ मौजूद होता है फ्लावर के अंदर, एंथर के पोलन ग्रेन्स में मौजूद होता है। ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा सकता है, नेम द मेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अ फ्लावरिंग प्लांट। क्या होगा आंसर, पोलन ग्रेन्स होगा। तो आपके एंथर के अंदर मौजूद हुए पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स के अंदर बच्चों दो टाइप के सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। ये जनरेटिव सेल ही डिविजन करने के बाद आपके दो मेल गैमिट्स फॉर्म करता है। तो हमें मेल गैमिट्स मिल गए हैं भैया, अब इनका फ्यूजन कराने के लिए फीमेल गैमिट्स की भी तो जरूरत पड़ेगी। तो आते हैं जरा हम फीमेल गैमेटोफाइट के पास। हमने क्या पढ़ा था, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का जिसे कि हम पिस्टल या फिर कार्पल कहते हैं, इसके तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये जो ओवरी रीजन होता है ना मेरे बच्चे, इसके अंदर ओव्यूल मौजूद होता है। ओव्यूल के अंदर मौजूद होता है फीमेल गैमेटोफाइट, वो स्ट्रक्चर जो कि फीमेल गैमिट कंटेन करता है। इस फीमेल गैमेटोफाइट को कहते हैं एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के अंदर मौजूद होता है एग। इस एग का फ्यूजन होगा मेल गैमेट के साथ। बच्चे इस एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर को ना थोड़ा डिटेल में जानते हैं, क्योंकि हमारी डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में इस एम्ब्रियो सैक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये एम्ब्रियो सैक कहाँ है मेरे बच्चे, यहाँ ओवरी के अंदर मौजूद है। ठीक है जी, ये जो एम्ब्रियो सैक होता है बच्चे, इसके दो एंड्स होते हैं। एक एंड को हम कहते हैं चेलिजल एंड, और उसका जो ऑपोजिट वाला एंड होता है उसे हम कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। मेरे बच्चे जो चेलिजल एंड होता है ना, वहां पे तीन एंटीपोडल सेल्स मौजूद होते हैं। नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द सेल्स प्रेजेंट एट चेलिजल एंड आर नोन एज एंटीपोडल सेल्स कहा जाता है। जो माइक्रोपाइलर एंड होता है यहाँ पर भी तीन सेल्स मौजूद होते हैं, एक होता है आपका एक्सेल, और दो सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें कि हम कहते हैं सिनर्जिप्स, या आपके सिनर्जिप्स हो गए बच्चे। ठीक है जी, तो आपका माइक्रोपाइलर एंड कंटेन्स थ्री सेल्स, वन एक्सेल एंड टू सिनर्जिट सेल्स। चेलेजल एंड कंटेन्स थ्री एंटीपोडल सेल्स। अभी तक टोटल कितने सेल हो गए, तीन ये एंटीपोडल सेल हो गए और तीन यहाँ वाले सेल हो गए, छह सेल हमने पढ़ लिए। एम्ब्रियो सैक के सेंटर में एक सेंट्रल सेल होता है, सेवेंथ नंबर का सेल। तीन सेल ऊपर, तीन सेल नीचे, बीच में एक सेल, सेवेंथ सेल, जिसे कि हम कहते हैं सेंट्रल सेल। इस सेंट्रल सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कि हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो जरा काउंट करो कि एम्ब्रियो सैक के अंदर कितने सेल और कितने न्यूक्लियाई आ रहे हैं। तीन सेल यहाँ हो गए, तीन सेल यहाँ हो गए, छह सेल हो गए। हर सेल के पास अपना एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सेवेंथ सेल आया आपका सेंट्रल सेल, लेकिन इस सेंट्रल सेल के पास दो न्यूक्लियाई मौजूद है, यानी कि एम्ब्रियो सैक में बच्चे टोटल सेल्स सेवन होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस टोटल सेवन नहीं होते, एट हो जाते हैं। हमारे सेंट्रल सेल के पास एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियस होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि एम्ब्रियो सैक कैसा स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर है, 7 celled 8 nucleotide स्ट्रक्चर है, 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 सेल्स मौजूद होते हैं। 7 सेल्स कौन से हो गए, 3 एंटीपोडल सेल्स, 3 आपके माइक्रोपाइलर एनके सेल्स जिसमें कि 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल आता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम एग एपरेटस भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एग मौजूद है, और सेंटर में आया आपका सेंट्रल सेल जिसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई मौजूद है। तो ये हमने पढ़ लिया है स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है बच्चे, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर आपका फीमेल गैमेट मौजूद है, एग मौजूद है। अब हमें क्या कराना है, हमारे जो ये मेल गैमेट है इसका फर्टिलाइजेशन, इसका फ्यूजन कराना है इस एग दीदी से, तभी जाकर तो हमारा जाइगोट बनेगा। अब डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस सुनो कि होता क्या है। फीमेल रिप्रोडक्टिव के अंदर जैसे ही पोलन ग्रेन्स आते हैं वो कहाँ जाकर लैंड करते हैं, स्टिग्मा में जाकर लैंड करते हैं। अब ये पोलन ग्रेन ना थोड़े से बर्स्ट होते हैं और एक ट्यूब फॉर्म करने लग जाते हैं जिसे कि हम कहते हैं पोलन ट्यूब। क्या हुआ है, हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, पिस्टल के अंदर पोलन ग्रेन लैंड कर चुका है, थोड़ा सा बर्स्ट हुआ, उसने ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया जिसे कि हम कह रहे हैं पोलन ट्यूब। बच्चे ये पोलन ट्यूब ना ऐसे स्टाइल से होते हुए ओवरी के पास आती है और ओवरी से जाती है अंदर ओव्यूल के, ओव्यूल से अंदर जाती है एम्ब्रियो सैक के, और कहाँ पहुंच जाती है, यहाँ माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक में पहुंच जाती है। कैसे पहुंची समझ रहे हो बच्चों, ओवरी से गई ओव्यूल में, ओव्यूल से एम्ब्रियो सैक में, और एम्ब्रियो सैक के किस एंड पर आ गई है, एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड पर आ गई है। जैसे ही पॉलिनेशन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड पर पहुंचती है, पॉलिनेशन ट्यूब बर्स्ट हो जाती है, यहाँ पर सेलुलर थिकनिंग मौजूद होती है, सिनर्जिड सेल की थिकनिंग मौजूद होती है जिसे कि हम फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। ये फिलीफॉर्म एपरेटस दोनों मेल गैमेट को कहता है मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हें कहां जाना है। तो आपकी फिलीफॉर्म एपरेटस मदद करते हैं मेल गैमेट्स को डायरेक्ट करने के लिए कि उन्हें अब कहां जाना है ताकि उनका फ्यूजन हो सके। क्या होता है, आपके मेल गैमेट्स सिनर्जिड्स के साइटोप्लाज्म में रिलीज हो गए, तो आपके ये 2 मेल गैमेट्स हैं बच्चों जो यहां जाकर रिलीज हो गए हैं। एक मेल गैमेट फ्यूज हो जाता है एग के साथ और फॉर्म करता है जाइगोट, सिनगैमी हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गया। दूसरा मेल गैमेट कहता है तू तो यहां फ्यूज हो गया मैं कहां जाऊं, ये कहता है मैं चले जाऊंगा सेंट्रल सेल के दोनों पोलर न्यूक्लियाई के पास। द सेकेंड मेल गैमेट फ्यूजेस विद 2 पोलर न्यूक्लियाई ऑफ द सेंट्रल सेल और ये फॉर्म करता है एक स्ट्रक्चर जिसे कि हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ बच्चे, एक मेल गैमेट ने फ्यूजन किया एग के साथ, जाइगोट फॉर्म किया। मेल गैमेट हैप्लॉइड था, एग भी हैप्लॉइड था, जाइगोट बन गया, 2n इसका प्लॉइडी लेवल हो गया। दूसरे मेल गैमेट जो कि n प्लॉइडी लेवल का था, उसने फर्टिलाइजेशन किसके साथ किया, पोलर न्यूक्लियाई के साथ किया। पोलर न्यूक्लियाई कितने हैं बच्चों, 2 हैं, एक का प्लॉइडी लेवल n, दूसरे का प्लॉइडी लेवल भी n, यानी कि n प्लस n 2n हो गए। ये लोग 2n प्लस n मेल गैमेट टुगेदर मेक्स 3n स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यानी कि यहाँ फ्यूजन होने के बाद क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म हो गया है। अब ये सेंट्रल सेल कहता है भैया मेरे अंदर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया है, अब मेरे अंदर मौजूद न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियस नहीं है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, तो मेरा नाम सेंट्रल सेल मत कहो, मैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल हूँ, PEC हूँ। तो आपका जो ये स्ट्रक्चर फाइनली फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्म हुआ है उसे कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या प्रोसेस है बच्चे, डबल फर्टिलाइजेशन मतलब 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ। पहले फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज हुआ और जाइगोट बनाया जिसे कि हम सिनगैमी कह रहे हैं। दूसरे फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, जो दूसरा मेल गैमेट था सेंट्रल सेल के दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाकर फ्यूज हो गया, एंड विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जो पहला फ्यूजन था उसे सिनगैमी कहा जाता है, और वो वाली प्रोसेस जिसमें कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा है इसे ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। ट्रिपल फ्यूजन क्यों, क्योंकि 3 हैप्लॉइड सेल्स का फ्यूजन हो रहा है, एक हैप्लॉइड सेल मेल गैमेट है और 2 हैप्लॉइड सेल्स कौन से हैं, 2 पोलर न्यूक्लाई है। अब डेफिनेशन खुद से समझ आ रही है, खुद से डेफिनेशन बनाना चाहे तो क्या कहेंगे बच्चों, डबल फर्टिलाइजेशन रेफर्स टू अ प्रोसेस वेयर 2 मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट्स रिलीज हुए थे, 2 मेल गैमेट्स फ्यूजेस विद 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ सेम फीमेल गैमेटोफाइट। एक ही एम्ब्रियो सैक के 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के साथ 2 मेल गैमेट जब फ्यूज करते हैं जिसकी वजह से 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, एक स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं जाइगोट और दूसरा स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट्स विथ 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ सेम एम्ब्रियो सैक लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इज नोन एज
डबल फर्टिलाइजेशन। इस डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में जो दो सब प्रोसेसेस हैं कौन कौन सी इन्वॉल्व है, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो बोथ सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टुगेदर मेक्स अ प्रोसेस कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। आई होप ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बच्चों। अगर आप किसी क्लास 10 स्टूडेंट को जानते हैं तो क्लास 10 में भी डबल फर्टिलाइजेशन टॉपिक है, प्लीज़ ये वीडियो उस बच्चे से भी शेयर करिएगा, ताकि अगर उस बच्चे को डबल फर्टिलाइजेशन टॉपिक समझने में दिक्कत आ रही है तो मेरे एक्सप्लेनेशन के जरिए वो समझ सके। इसी के साथ साथ क्लास 12 बायोलॉजी के जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन चैप्टर से मैंने आप लोगों के डिफिकल्ट टॉपिक्स की बहुत सारी वीडियोज अपलोड करी हुई है। हर्शियन चीज एक्सपेरिमेंट, मैथ्यू मिशेलसन फ्रैंकलिन स्टाइल का एक्सपेरिमेंट, फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारी प्रोसेसेस भी एक्सप्लेन करी हुई है। एक बार मेरी जेनेटिक्स की प्लेलिस्ट पे जरूर चेक करिएगा। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल जो क्लास 12 बायोलॉजी के ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में दी हुई है, वो भी बच्चों को काफी डिफिकल्ट लगती है, उसकी एक्सप्लेनेटरी वीडियो भी चेक करिएगा। क्लास 11 बायोलॉजी के डिफिकल्ट टॉपिक्स भी मैं लगातार अपलोड कर रही हूं। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरी क्लास 11 बायोलॉजी की एक्सप्लेनेटरी वीडियोस भी देख सकते हैं। नीट बायोलॉजी शॉर्ट देसी ट्रिक सीरीज नाम से आपके नीट सिलेबस में, क्लास 11 12 बायोलॉजी सिलेबस में डिफिकल्ट टॉपिक्स को याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड करी हुई है, एक बार उनको भी जरूर चेक करिएगा। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपका डबल फर्टिलाइजेशन टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को लग रहा है कि फिर भी आपके मन में कुछ डाउट है तो प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द आपके कमेंट का रिप्लाई करते हुए आपका डाउट मैं क्लियर कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक इट मेक श्योर हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू।